कंपनी के फाउंडर कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म 27 नवंबर 1894 के दिन जापान के वासामुरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी बचपन की जिंदगी बड़े आराम से गुजरी थी क्योंकि उनके पिताजी गांव के बड़े जमींदार थे, लेकिन कमोडिटी मार्केट में गिरावट के कारण उनके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी गंवा दी थी। उनको अपना मकान बेच देना पड़ा था, इस वजह से सारा परिवार रोड पे आ गया था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो गांव छोड़ के शहर चले जाए। अभी तो कोनोसुके सिर्फ 9 साल के थे, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ओसाका शहर की हिबाची नाम की एक कोयले की कंपनी में काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। कोयले की कंपनी में दिन की शुरुआत स्टोर की क्लीनिंग से होती थी, फिर पूरे दिन कोयला उठाने के काम करते थे। साथ में उनको कंपनी के मालिक के बच्चों का भी ख्याल रखना था। जब वो शाम को अपनी बिस्तर पर जाते थे तो उनके शरीर एकदम थका हुआ होता था। वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाते थे, लेकिन वो कहावत है ना, नसीब है पांडू तो क्या करेगा गांडू। धंधे में गिरावट के कारण हिबाची कोयले की कंपनी भी बंद हो गई। उसके बाद कोनोसुके ने बाइसिकल बेचने की दुकान में काम शुरू किया। यहाँ अपनी मेहनत और लगन के साथ लेथ मशीन चलाना सीखा। यहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी के 5 साल काम किया। इसी दौरान बिजली की शोध हुई थी। बिजली से चलने वाले उपकरण मार्केट में धूम मचा रहे थे। उनको लगा कि इलेक्ट्रिसिटी ही भविष्य है। यह सोच के 15 साल की उम्र में उन्होंने बाइसिकल की दुकान से नौकरी छोड़ करके ओसाका लाइट कंपनी में एज अ वायरमैन काम शुरू किया। कंपनी ने उन्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्हें एक थिएटर की वायरिंग का काम करना था और इस काम के लिए उनको सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया था। इतने कम टाइम में इतना बड़ा काम करना था तो कोनोसुके ने दिन रात देखे बिना काम करना शुरू कर दिया। रात भर काम करके सुबह 2-3 घंटे की नींद लेते थे, फिर से उठकर काम में लग जाते थे। पर काम के ओवरलोड की वजह से उनको न्यूमोनिया हो गया, लेकिन बीमारी होने की वजह से उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही बीमारी ठीक हुई वो फिर से काम में लग गए और 6 महीने के अंदर अंदर थिएटर वायरिंग का काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। जापान में उस टाइम अरेंज मैरिज की प्रथा चल रही थी। कोनोसुके की बहन ने उसकी शादी मुमेनो नाम की एक लड़की से पक्की कर दी और सिर्फ 20 साल की उम्र में उनके सर पे एक और जिंदगी की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन कोनोसुके मेहनत के दम पे एक करके एक प्रमोशन लेते गए और इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल कर ली। जब ओसाका लाइट कंपनी में वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पहुंचे तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। उनकी सैलरी भी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन कोनोसुके हमेशा अपने फ्री टाइम का कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते एक दिन उन्होंने एक बेहतर इलेक्ट्रिक सॉकेट का निर्माण किया। कोनोसुके यह इलेक्ट्रिक सॉकेट लेके ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी के मैनेजर के पास गए, लेकिन वो मैनेजर ने यह इन्वेंशन बकवास है ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया। कोनोसुके को यह बात सुनकर झटका लगा। उन्होंने ओसाका लाइट कंपनी की जॉब छोड़ दी। उन्होंने आराम की जॉब छोड़ के कठिनाइयों वाला रास्ता पसंद किया। अपनी कमाई के बचे हुए पैसों से उन्होंने एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। उनके साथ काम करने के लिए सिर्फ उनके एक दोस्त और उनकी वाइफ के भाई तैयार हुए। शुरुआत के दिनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं, कंपनी बंद होने पे आ गई थी। पर अचानक एक दिन उनको पंखे के 1000 इंसुलेटर प्लेट्स बनाने का ऑर्डर मिल गया। अब कंपनी ने धीरे धीरे प्रगति करना शुरू किया और उन्होंने इस कंपनी का नाम मात्सुशिता इलेक्ट्रिक हाउसवेयर्स मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स रखा।
और यही कंपनी आगे जाके पैनासोनिक के नाम से मशहूर होने वाली थी। अब उनके पास एक बड़ी वर्कशॉप थी जहाँ पे अटैचमेंट प्लग और टू वे सॉकेट का इन्वेंशन किया। ये दो प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गए और कंपनी का नाम देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माने जाने लगा। 1922 में कोनोसुके ने अपनी नई फैक्ट्री और ऑफिस का प्रारंभ किया। 1923 में कोनोसुके ने देखा कि बाइसिकल के आगे लगाए जाने वाले बैटरी ऑपरेटेड लैंप 3 घंटे से ज़्यादा चलते नहीं थे। कोनोसुके ने रिसर्च करके ऐसा लैंप बनाया जो 40 घंटे चल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब होलसेलर्स ने यह प्रोडक्ट खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लैंप की क्वालिटी पर भरोसा नहीं था। लेकिन कोनोसुके ने हार ना मान के यह प्रोडक्ट सीधा मार्केट में बेचना शुरू किया और यह प्रोडक्ट इतनी सफल साबित हुई कि होलसेलर अब ऑर्डर लेने के लिए भीख मांगने लगे। अब मात्सुशिता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक नेशनल ब्रांड बन चुकी थी। जापान के बाहर और एशियाई देशों में इसे अब नेशनल के नाम से प्रोडक्ट बेचा जाने लगा था। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक आयरन और रेडियो का प्रोडक्शन शुरू किया। उन्होंने यह प्रोडक्ट मार्केट रेट से हाफ प्राइस से बेचना शुरू किया। लोगों को सस्ते दाम पे क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत पसंद आई। 1933 में कंपनी अराउंड 200 इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बना रही थी। फिर उसके बाद 1950 से 1973 तक मात्सुशिता कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक माने जाने लगी। उन्होंने नेशनल ब्रांड के अलावा एक और ब्रांड नाम से भी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया, जिसका नाम था पैनासोनिक। 1973 में कोनोसुके ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद भी आराम करने वालों में से वो नहीं थे। वो अपनी लाइफ में सीखे हुए तरीकों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कुल मिला के 44 बुक्स लिखी थी, जिसमें से कुछ बुक्स का नाम है दी पाथ फाइंड फुलफिलमेंट थ्रू प्रॉस्पेरिटी, डू अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ डे, सिक्स सिग्मा बेल्ट हैंडबुक, नॉट फॉर ब्रेड अलोन। यह बुक पढ़ के आप उनके मैनेजमेंट मंत्रा सीख सकते हैं। कहते हैं एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर। अगर उनके एक्सपीरियंस एक किताब से पढ़ सकते हो तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो आप भी यह बुक खरीद के उनके मैनेजमेंट मंत्रा आसानी से सीख सकते हो। यह बुक आपको अमेजोन से मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1989 में उनके पास टोटल 45 बिलियन यूएस डॉलर की प्रॉपर्टी थी, जो कि इंडियन करेंसी में 2880 अरब रुपए होती है। 1989 में न्यूमोनिया नाम की बीमारी की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। कोनोसुके मात्सुशिता के कुछ अद्भुत सुविचार आपके जीवन में काम आ सकते हैं। वो कहते थे, नो मैटर हाउ डीप स्टडी यू मेक, what you really have to rely is on your own intuition, and when it really comes down to it, you don't know what really going to happen until you actually do it. मतलब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप कितनी भी छानबीन कर लो, कितना भी रिसर्च कर लो, अंत में तो आपको अपनी दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी। और जब तक आप वो काम करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप सक्सेसफुल होगे या फेल होगे। बस काम शुरू कर दो। और उन्होंने कहा कि इट्स लॉ ऑफ नेचर, द गोल वन एम्स फॉर कैन रेयरली रीच फ्रॉम स्ट्रेट पाथ। मतलब ये तो कुदरत का नियम है कि आपका जो लक्ष्य है वो आसानी से नहीं मिलेगा। उन्होंने और भी बातें कही, जैसे कि स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक बोथ प्रॉस्पेरिटी इज वाइटल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल नीड्स। मतलब आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों में समृद्धि जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक समृद्धि आपके दिमाग के लिए जरूरी है और आर्थिक समृद्धि आपके शारीरिक जरूरतों के लिए आवश्यक है।
Please like, subscribe and share this video if you liked it.